I feel very good that when Parul, my PR, she called me that Ajaz Manali Jagtap is doing the show, और वो show actually NGO के लिए है और गरीब बच्चे और जिनको HIV है, जिनको कैंसर है, उनके लिए है. तो मैंने पारुल से कहा कि यार why not पारुल, तू मनाली को बोल, मैं अपनी फैमिली के साथ वॉक करूँगा. बिकॉज अगर अच्छे काम करने हैं तो नेकी कमानी है तो अकेले मत कमाओ, अपनी फैमिली के साथ कमाओ. और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि किसी ऐसे बच्चों को तुम खुशी दे सको जो बच्चे ऊपर वाले के भी मारे हैं और दुनिया वालों के भी मारे हैं. एंड आई फील सो फिरी दैट बच्चों के साथ भी ऐसा होता है. कभी कभी ऊपर वाले भी मुझे शक हो जाता है कि भाई इनकी क्या गलती है, इन्होंने क्या किया है. लेकिन फिर वही कहते हैं कि वो जो करता है वो किसी को बताता नहीं. तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे बच्चों को अल्लाह बस ताकत दे, सुकून दे और इतनी ताकत दे कि वो जितनी भी ज़िंदगी उनके पास है अच्छे से जी सके. दैट टुडे मनाली जगताप ऑन हर बर्थडे, आज उसकी बर्थडे पे इतनी सारी नेकी है वो कमाने वाली है. तो मनाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, कीप डूइंग गुड वर्क, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड कीप डूइंग दिस गुड वर्क. थैंक यू सो मच. देखो, रैम्प वॉक मैंने बहुत की है, लेकिन नेकी करने के लिए वॉक मैं आज तीसरी बार कर रहा हूँ. तो मैंने 200 शो किए, उसमें से 3 शो अच्छाइयों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छाई करने का मौका कभी बुलाया नहीं. तो अभी बुलाया है तो मैं उसमें हमेशा पार्ट लूँगा और हमेशा सोसाइटी ने जो मुझे दिया है मैं उसे वापस दूँगा. बस अच्छे काम करते रहो एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. लाइक माई ब्रदर सलमान भाई से Dem Ratandan Payo, देखा कि नहीं, my 2 brother, 1 good, 1 bad. I'm missing. Love you, man. ये मनाली जगताप का कॉस्ट्यूम है और बहुत ही प्यारा उन्होंने मुझे ब्यूटीफुल कलर शी इज़ गिविंग मी एंड मेरी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत ही, आई एम हैप्पी, उन्हें बहुत हल्का फुल्का सिंपल सा कॉस्ट्यूम दिया है. सो आई थिंक मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसमें. एंड बाकी की चॉइस उनकी थी, जो उन्हें मैंने उन्हें बोल दिया था जो उन्हें अच्छा लगे आप मेरे लिए निकाल के रख दीजिएगा, बस मैं फिटिंग्स देख लूँगी. अदरवाइज व्हाटएवर शी सेज, शी इज़ अ डार्लिंग फ्रेंड एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर. सो एक और शो ये जानना चाहूँगी, जो फाउंडेशन है ये एजुकेशन के लिए मतलब फंड्स रेज कर रही है, कितना सोशल इनिशिएटिव कॉज या कितना यूनिक है? देखिए, कोई भी कॉज होता है तो अपने आप में यूनिक होता है, जहाँ पे अलग अलग हस्तियाँ आती हैं, अपना सपोर्ट दिखाती हैं. एंड I think I'm glad I'm part of this foundation और definitely आपका उत्साह बढ़ता है अगर आप ऐसी charities में अपना support दिखाते हैं. So I'm glad और हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं और इस charity के लिए, उम्मीद के लिए जुड़े हैं. इसी उम्मीद से हम आए हैं ताकि हम सबकी उम्मीदों से सब लोगों को help मिले और एक उम्मीद बढ़े life में आगे बढ़ने की और हेल्प करने की. प्रोफेशनल एंगेजमेंट के बारे में सोचने में क्या करती है? आप शूटिंग कर रही हैं, फिल्म आने वाली है आपकी, आप काफ़ी एंगेज हैं अभी. तो इस वक्त मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ तो आई एम रियली हैप्पी, एंजॉय कर रही हूँ फैमिली के साथ. और या कुछ टाइम बाद आई एम गोना स्टार्ट माई शूटिंग वेरी सून. थैंक यू. मतलब क्या